डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी ट्रेस नहीं हुआ, तो लास्ट में हमने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अब फाइनल जा रहा हूँ। शुरू से भी हम लोग शिक्षा विभाग पर हम लोग को भरोसा नहीं था, भरोसा था तो सिर्फ बीपीएससी पर कि ताकि वो बढ़िया से जांच करेगी, लेकिन देखिए बीपीएससी की सबसे बड़ी गलती क्या किया भैया, इनका एस्टेट नहीं था, सिर्फ इनका बीटेट था जिसके बीटेट था, इनका बिना सीटेट के सबसे बड़ी गलती एडमिट कार्ड दिया। किसी का एडमिट कार्ड आएगा तो क्यों नहीं एग्जाम देगा, एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद रिजल्ट हुआ, डीबी हुआ, डीबी में क्या यही जांच हुआ, रिजल्ट के बाद फिर से हॉल मचा हुआ है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, यही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आप, ये व्यक्ति सही थे तब ना आज हम लोग के सामने आके बता, ये सरकार फिर भी हमको एलिजिबल कर दी, ज्वाइन नहीं व्यवस्था है। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि रिजल्ट में जो है गड़बड़ी हुई है। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो कि खुद कह रहे हैं कि इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार सिंह, आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है? एलिजिबल नहीं है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट में हो गया, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आने वाला एग्जाम में 60 जाएगा, इसलिए मैं गलत चीज नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया है? जी ये है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। मामला यही है कि जितना बार भी डॉक्यूमेंट एलिजिबल कैसे नहीं, सबसे पहले ये बताइए, इसलिए कि स्टेट 11 12 का मेरे नहीं क्लियर है। मैं 2011 में बी टेट में क्वालिफाइड हूँ, जिससे मेरा 99 मार्क्स 66% मार्क्स आया था। उसके आधार पर मैं जब फिलअप करने गया फॉर्म, तो कंप्यूटर वाला जो है वो लोड कर दिया, सब चीज एक्सेप्ट कर भी लिया। उसका आपके किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ सबसे पहले ये बताइए, 11 12 में हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री जी हाँ, क्या चीज एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, स्टेट पेपर टू और बाकी जो पीजी था वो स्टेट पेपर टू? नो नहीं, नहीं, नहीं। शौक से आपने परीक्षा फॉर्म भरा? हाँ भरा, फॉर्म तो फिलअप किए थे, फिलअप किए थे, उसके बाद फॉर्म फिलअप हो गया है तो एग्जाम देके देखते हैं मेरे में क्या योग्यता है, तो मेरे में सिलेक्शन हो गया, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी ट्रेस नहीं हुआ, तो लास्ट में हमने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अब फाइनल जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ ही नहीं? सारे जगह हुआ, गर्दनी बाग हाई स्कूल में हुआ, तब तो मतलब छटनी हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। किशनगंज, अब थोड़ा आप इस मामले को बताइए कैसे अच्छे से बिना एक मिनट रुको ना भाई, रुको ना भाई फार कैसे देंगे यार, मामला देखिए यही है। हम लोगों ने 5 दिन लगातार हम लोग पहले भी इनके बारे में बताइए, इनके मामले में इन्होंने पहले ही बता दी है। अब ये बताइए, शुरू से भी हम लोग शिक्षा विभाग पर हम लोग को भरोसा नहीं था, भरोसा था तो सिर्फ बीपीएससी पर कि ताकि वो बढ़िया से जांच करेगी, लेकिन देखिए बीपीएससी की सबसे बड़ी गलती क्या किया भैया, इनका एस्टेट नहीं था, सिर्फ इनका बीटेट था जिसके बीटेट था, इनका बिना सीटेट के सबसे बड़ी गलती एडमिट कार्ड दिया। किसी का एडमिट कार्ड आएगा तो क्यों नहीं एग्जाम देगा, एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद रिजल्ट हुआ, डीबी हुआ, डीबी में क्या यही जांच हुआ, इनका डीबी में भी डॉक्यूमेंट था वो भी सक्सेसफुल हो गया। दूसरी रिजल्ट के बाद फिर से हॉल मचा हुआ है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, यही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आप, ये व्यक्ति सही थे तब ना आज हम लोग के सामने आके बता, नहीं है ये सरकार फिर भी हमको एलिजिबल कर दी, ज्वाइन नहीं व्यवस्था है, गलत चीज हम नहीं ले सकते, जी नहीं लेंगे, गलत चीज हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसके लिए योग्य नहीं है तो हम नहीं लेंगे, आगे चल के ट्रेस होगा, गलती होगी, हम पर इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करते, हम में योग्यता है, मैं जानता हूँ आगे आने वाले परीक्षा में निकाल दूंगा, तो इसलिए मैं इसको ये इनका मेन मामला है, ये स्टेट मेन मामला है कि स्टेट क्वालिफाई नहीं है, एक मिनट रुकिए, मेन मुद्दा है कि स्टेट क्वालिफाई नहीं है, ये कंडीशन था कि बिहार का होना चाहिए और ये बिहार के भी नहीं है, ये अभी बता रहे हैं बंधु कि ये बिहार के भी नहीं है, झारखंड डाल्टन से, ये बिहार के नहीं है, ठीक है। और इनका मेन समस्या क्या हुआ है कि ये फॉर्म जब फिलअप किए तो कहीं ट्रेस नहीं हुआ कि ये गलत दे रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पकड़ में नहीं आई, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इनका नहीं पकड़ा गया, गर्दनी बाग में पटना में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाई स्कूल में हुआ, ये पकड़ में नहीं आए, ठीक है। मतलब इस
के लिए स्टेट क्वालिफाई होना जरूरी था। बिल्कुल, बिहार क्वालिफाई नहीं है, प्लस में बिहार के भी नहीं है। स्टेट जो क्वालिफाई होगा वो बिहार का होना चाहिए था, ठीक है। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रिजल्ट से पहले, वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल। स्टेट का इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे पास हो गए? कैसे, वही मेन मुद्दा तो यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम जो हुआ फर्स्ट पेज में वो गलत हुआ, उसके बाद इनका रिजल्ट आया, सेकेंड टाइम इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हुआ, उसमें भी इनको पास कर दिया गया। सारा चीज कंप्यूटर से मिला, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिली है ये गलत तरीके से मिला। बिल्कुल, इसमें सरकार गलती, यही चीज मैं उजागर नहीं लेंगे जी। बिल्कुल, क्या नाम बताया आपने? मुकेश कुमार सिंह। चलिए ये इनका एक बार फिर से ज्वाइनिंग लेटर हम आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर देखिए, ये मुकेश कुमार सिंह झारखंड के हैं, और इनका कहना है कि ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इन्होंने स्टेट की परीक्षा जो है वो क्वालिफाई नहीं की है, और उसके बावजूद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इनको इनका रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर भी इन्हें किशनगंज में दे दिया जाता है, किशनगंज के लिए इन्हें इनकी नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन ये खुद यहाँ पहुंचे, इनका कहना है कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं परीक्षा नहीं, मैं जो हूँ वो नौकरी नहीं लूंगा, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।